हेलो बच्चों, हायर मैथमेटिक्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं बात ग्रुप थ्योरी की कर रहा था। इसके पहले वीडियो में हमने ग्रुप थ्योरी क्या होती है उसको एक्सप्लेन किया है और ग्रुप की कुछ थ्योरम्स दैट आई हैव एक्सप्लेन। टुडे सम मोर थ्योरम्स आर देयर विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ब्रीफली दिस थ्योरम्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द प्रीवियस वीडियो, then you can relate those theorems here. ठीक है, theorem कहती है if A inverse is the inverse of A, यानी अगर कोई एक group का एक element है A और उसका inverse A inverse है, तो A inverse का अगर inverse हम करते हैं, यानी inverse of A is again A, मतलब inverse of the inverse of any element is the element itself। समझने की कोशिश करिए, यानी आपको प्रूव करना है कि A इनवर्स का अगर इनवर्स करते हैं तो वही एलिमेंट आपको मिलेगा, वही A आ जाएगा। देखिए, इसे दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक सस्ता वाला प्रूफ, वेरी बस दो लाइन का है, एक थोड़ा महंगा वाला। तो पहले हम आपको फर्स्ट मेथड से, इसको सस्ता प्रूफ कहते हैं, यानी इसका नाम सस्ता नहीं है भाई, मॉडर्न जमाने में इसको सस्ता मेथड नहीं कहते। सिंपल मैं बात ग्रुप का एक कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, प्रॉपर्टी लगा दूंगा और अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। देखिए, ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम जानते हैं। इसको शॉर्ट मेथड कह सकते हैं आप। द शॉर्ट मेथड कोई मेथड का नाम नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूं, ऐसे ही मेरा मन कहने का। देखिए, हम जानते हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट किसी ग्रुप को बिलोंग करता है तो हम जानते हैं कि भैया उसका इनवर्स भी उस ग्रुप को बिलोंग करता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, वो लिखा हुआ है, ना लिखिए। अगर कोई एलिमेंट, इसको ना लिखिए, अगर कोई एलिमेंट ग्रुप में है तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर ए बिलोंग करता है और इनवर्स भी बिलोंग करता है तो एक ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि भाई अगर दो एलिमेंट ए और बी ग्रुप में है तो उनका बाइनरी ऑपरेशन करने पर जो रिजल्ट आएगा वही ग्रुप में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ए बिलोंग कर रहा है और ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि अगर ए बाइनरी ए इनवर्स करे तो वो भी जी का एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जाकर के, और ए बाइनरी ए इनवर्स क्या बताया गया था, ई होता है, यानी ई भी जी में होगा, ये हम जानते हैं। ठीक, जरा समझने की कोशिश करिए, दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, मैं यहां फिलहाल ऑपरेशन मल्टीप्लाई करता हूं, अगर दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वे एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। भाई हम जानते हैं अगर 2 एक एलिमेंट है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है, मैं फिलहाल ऑपरेशन मल्टीप्लाई ले रहा हूं, बाइनरी का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, समझाने के लिए मल्टीप्लाई ले रहा हूं कि अगर 2 एलिमेंट किसी उसमें है तो इसका इनवर्स 1/2 होता है, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, 1, और 1 कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या हुआ कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है तो ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी 2 का इनवर्स अगर 1/2 है तो 1/2 का इनवर्स क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ हियर ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, मेरी राइटिंग थोड़ा गंदी है लेकिन जो बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं, ये मान लीजिए आप ए इनवर्स ए का इनवर्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका इनवर्स करूं तो वही तो ए लिखा हुआ है। इट मीन्स इनवर्स ऑफ इनवर्स ए इनवर्स टू इनवर्स इज ए, यानी इसका अगर इनवर्स करने पर ये मिलता है तो इसका इनवर्स करने पर यह मिलेगा। तो ये प्रूफ हुआ जाकर के, ये इसको शॉर्ट मेथड कह सकते हैं। इसको समझाएंगे तो समझ में एग्जामिनर को आ जाएगा, लेकिन हम ये समझाना नहीं चाहते, हम थोड़ा इसका लॉन्ग मेथड लेके चलते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड इसका हम बताने जा रहे हैं, तो आप जो एग्जाम में करें दोनों मेथड लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, सेकंड मेथड हम लेते हैं, अब उसका नाम लॉन्ग मेथड नहीं है, उसको प्रूफ करने का तरीका है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो मैं यहां फिलहाल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ले रहा हूं, बार बार ये कह रहा हूं,
यहाँ ऑपरेशन का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, कोई और ऑपरेशन भी हो सकता है। तो अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा तो यानी वो जो नंबर होंगे वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, देखिए आप कहेंगे भाई देखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर ए जी में बिलोंग करता है, ग्रुप थ्योरी देख लीजिएगा तब समझ में आएगा, कोई भी एलिमेंट अगर ए जी को बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा। और हम जानते हैं एस ए इनवर्स बाइनरी ए क्या होता है, ई होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें ऐसा करिए कि दोनों तरफ ए इनवर्स के इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए या प्री ऑपरेटिंग कर दीजिए, प्री मल्टीप्लीकेशन। यानी कि मैं यहां ये करने जा रहा हूं कि ए इनवर्स क्या इनवर्स को हम इधर भी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मैं फिलहाल मल्टीप्लाई ले रहा हूं बार बार ये बता रहे हैं, और ए इनवर्स का इनवर्स इधर भी ऑपरेशन करने जा रहा हूं, कोई दिक्कत कर सकते हैं क्योंकि ग्रुप थ्योरी कहती है कि ऐसे आप मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं, कोई भी मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स में आप किसी भी नंबर में कुछ भी प्लस कर सकते हैं, शर्त यह है कि अगर उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर रहे हैं यहां भी लेफ्ट हैंड साइड में ही होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से, इसको और इसको मैं साथ लिख देता हूं, यानी ए इनवर्स टू द इनवर्स बाइनरी ए इनवर्स, इसको साथ लिख देते हैं और यहां पर ए निकालने देते हैं अकेला, क्यों लिखा आपने, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और इसको तो लिखा दो फिलहाल आप ए इनवर्स टू द इनवर्स बाइनरी की, यहां मैंने क्या लगा दिया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ यहां लगा दिया है, अब इसको कर सकते हैं। अब जरा समझिएगा ए इनवर्स और ए इनवर्स का इनवर्स, मतलब ए इनवर्स और इसका खुद का इनवर्स, ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, ई बाइनरी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स टू द इनवर्स बाइनरी ई। ठीक है, इसको जरा देखिए ये क्या आएगा, यहां पर आएगा ए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आइडेंटिटी के साथ कोई ऑपरेट होता है तो वही आता है, और यहां क्या आएगा ए इनवर्स टू द इनवर्स, क्योंकि इसको भी अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट आता है, एक प्रूफ करना था कि ए इनवर्स का इनवर्स कर दे तो फिर वही एलिमेंट आ जाता है। तो दिस इज द थ्योरम, इनवर्स ऑफ द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ए इज द एलिमेंट इटसेल्फ। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरम, नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरम, देखिए नेक्स्ट थ्योरम को रिवर्सल लॉ कहा जाता है। ठीक है, जरा समझिएगा, थ्योरम नंबर नंबर तो नहीं डालेंगे, नंबरिंग यहां पर नहीं पढ़ पाएगी, रिवर्सल लॉ देखते हैं, रिवर्सल पहले इसका मतलब समझिएगा, नाम से लग रहा है कुछ रिवर्स हो जाना है, उल्टा हो जाना है। देखिए थ्योरम ये कहती है कि अगर इफ जी बाइनरी इज अ ग्रुप, ग्रुप पहले देख लीजिएगा, ग्रुप पढ़ लीजिएगा, बिना ग्रुप के समझ में नहीं आएगा ग्रुप क्या होता है, इफ जी बाइनरी इज ए ग्रुप देन ए बी, अगर दो नंबर है मान लिया, ठीक है इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं, ए बी जैसे लिखिए, तो प्रूफ करना है कि अगर ए बाइनरी बी का इनवर्स करें तो ये बी इनवर्स बाइनरी ए इनवर्स हो जाता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये हम पढ़ चुके, आप ध्यान करिए अपने आप को, जरा मैट्रिक्स में ले जाइए क्लास ट्वेल्थ में, कंसेप्ट वहां पर था कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर अगर ये 2×3 की है तो 3× कुछ की होनी चाहिए, मतलब ये आपस में सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर मैं इनवर्स करना चाहता हूं तो अगर ए का इनवर्स कर दोगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता था, और बी का इनवर्स कर दोगे तो भी ऑर्डर चेंज हो जाता था। अब यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो वहां क्या करते थे हम, इस बी इनवर्स को यहां पहले लिखते थे और यहां पर ऑर्डर 4×3 होता था, ये दोनों इक्वल आ जाते थे तो हम कहते थे कि अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद करिए आप मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, अब जरा देखो इसको, अब ऐसे तो प्रूफ नहीं करेंगे बिकॉज आई हैव सीन इन द मैट्रिक्स द सेम रूल आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर। यहाँ पर ग्रुप थ्योरी से प्रूफ करना है, जरा समझने की कोशिश करिए। हम करेंगे क्या, देखिए अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ध्यान से समझिएगा, दो नंबर का, फिलहाल हम यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई ले रहे हैं, अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो वे एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर हमको ये प्रूव करना है कि ये ए बाइनरी बी का इनवर्स है, तो अगर मैं ए बाइनरी बी का मल्टीप्लीकेशन इससे कर दूं और हमको आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो क्या कह सकते हैं कि ये जो चीज है वो इसका इनवर्स है, कह सकते हैं। बस वही मैं करने जा रहा हूं। देखिए ना, सो प्रूफ कैसे किया जाएगा, प्रूफ देखिए, अब यहां हम करेंगे क्या कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, मैं करूंगा ये कि ये जो एलिमेंट है ना इसका ए बाइनरी बी के साथ ऑपरेशन कर देंगे, यानी हम यहां पर करेंगे ए बाइनरी बी इनवर्स बाइनरी ए इनवर्स। समझ में आई बात, क्यों कर रहा हूं मैं, सुनिए ध्यान से, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिलहाल मल्टीप्लीकेशन ले रहा हूं, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट में प्रूफ कर दूं, इसका मतलब ये जो चीज है ना इसका इनवर्स है, ये तो प्रूफ करना है, इस चीज का इनवर्स ये इसके इक्वल है, ये प्रूफ करना है, बस बोल दीजिए। अब चूंकि बी और बी इनवर्स एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, तो इनको एक साथ कर दो, तो इसको ए बाइनरी बी इनवर्स एक साथ कर दो और बाइनरी ए इनवर्स अलग कर दो। क्या किया हमने, हमने यहां पर एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, ठीक है, ये रूल लगा दिया। अब ये क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी कि ए बाइनरी ई बाइनरी ए इनवर्स, इसको आप क्या करो, इसको एक साथ कर दो। अब क्या करेंगे आप, इसका ऑपरेशन क्या होगा, ई के साथ कोई भी ऑपरेट होता है तो वही मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन किया जाता है तो वही एलिमेंट होता है, यानी इसको लिखा जाएगा ए बाइनरी ई, और ए बाइनरी ई किसके इक्वल होगा, एक मिनट, ऐसे तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां तो ए आ जाएगा। अब जरा सावधान, आपको ये दोनों रिश्तेदार दिख रहे हैं, ये दोनों रिश्तेदार दिख रहे हैं, तो ऐसा करिए आप ए बाइनरी इसको पहले कर दो, इसको बाद में कर दो, कर सकते हैं आप, कौन सा रूल है, कॉम्यूटेटिव लॉ में किया जा सकता है। अब इसको साथ लिख दो, यानी ए बाइनरी ए इनवर्स एक साथ कर दो, बाइनरी की कर दो, कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, राइट, थोड़ा गलती है, समझ आ रही, हम बोल भी रहे हैं, ये ई है, ई बाइनरी ई बराबर ई। अब अगर इसका और इसका ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट है ना ये इसका इनवर्स है, इंप्लाइज ए बाइनरी बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बाइनरी ए इनवर्स, तो दिस इज द रिवर्सल रूल। ठीक है, मेरी समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, ओके, डू इट। नेक्स्ट थ्योरम, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, देखिए नोट डाउन दिस थ्योरम, देखिए मॉडल जेब्रा टफ नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि आप केवल बुक से पढ़ के आप समझ जाओगे, लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, दैट शुड बी इन योर माइंड, वो आपके माइंड में होना चाहिए। देखिए ध्यान से, एक थ्योरम है कि इन ग्रुप थ्योरम, देखिए क्या कहती है, थ्योरम कहती है इन ग्रुप, वन मिनट, इन ग्रुप जी बाइनरी, एक मिनट, द लैंग्वेज जरा, इन ग्रुप जी बाइनरी, जैसे ही हम ग्रुप लिखते हैं समझ जाते हैं जी के एलिमेंट हैं और बाइनरी के साथ उसका ऑपरेशन हो रहा है, इन अ ग्रुप जी बाइनरी द लीनियर इक्वेशन
द लीनियर इक्वेशन ए बाइंडी एक्स इज इक्वल टू बी, ए बाइंडी एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई बाइंडी ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है ना वो राइट लेफ्ट में इसका मतलब राइट में इसका ऑपरेशन करे या इसको लेफ्ट में की, कोई फर्क नहीं पड़ता, हैव यूनिक सोल्यूशन, हैव अ यूनिक सोल्यूशन, अ यूनिक सोल्यूशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। पहले मतलब समझिएगा, कहते हैं अगर मान लिया कि जी बाइंड्री एक ग्रुप है, यानी कि जी एक सेट है और बाइंड्री उसके ऊपर एक ऑपरेशन लगा हुआ है और एक लीनियर इक्वेशन है ए बाइंड्री एक्स इज इक्वल टू ए बी, तो आपको बताना है कि ये यूनिक सोल्यूशन है। मतलब पहली बात तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, वो एलिमेंट जी के अंदर होना चाहिए पहली बात, और वो एक्स की एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, तो दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। वो यहां पर भी है कि अगर यहां से जो वाई निकलेगा, जो भी निकलेगा, अभी कैसे निकलेगा वो हम बताएंगे, वहां से यहां से जो वाई निकलेगा वो एक तो जी के अंदर होना चाहिए और वो वाई सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, यानी वाई के दो मान नहीं निकलने चाहिए। छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जहां पर एक्स की डिग्री वन होती है, यहां भी डिग्री वन है और यहां से जो एक्स निकालते हैं आप माइनस टू अपॉन थ्री, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। लेकिन अब यहां पर चूंकि मॉडल जबरा है तो यहां पर थोड़ा सॉल्व करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो पहले मैं एक्स के लिए प्रूफ करने जा रहा हूं, सावधान, टफ नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए क्या गिवन है आपको, गिवन है ए बाइंडी एक्स इज इक्वल टू बी। जरा समझने की कोशिश करो, अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहां से ए को गायब करना पड़ेगा, और ए को गायब करने की ताकत केवल ए इनवर्स के साथ है। अगर ए इनवर्स ए के साथ ऑपरेट हो जाए तो दोनों मिलकर के आइडेंटिटी एलिमेंट बना देते हैं, और आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स के साथ ऑपरेट हो जाए यानी मल्टीप्लाई हो जाए तो वहां से एक्स मिल जाता है, बस यही करना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे या ऑपरेटिंग कर दें, यानी इसमें हम चाहें इधर भी ए इनवर्स बाइनरी ए बाइनरी एक्स कर दें और इधर भी ए इनवर्स बाइनरी बी कर दें, कोई फर्क नहीं। अब चूंकि ये दोनों रिश्तेदार हैं इनको एक साथ ले जाया जाए, कर देते हैं, तो ए इनवर्स बाइनरी ए बाइनरी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बाइनरी बी। इसमें खास बात है कि जो भी आप करते जाएंगे दैट यू हैव टू राइट व्हाट यू हैव डन, यानी यहां मैंने एसोसिएटिव लॉ लगाया है, एसोसिएटिव लॉ लगाया है, ठीक है। इसको आप जानते हैं ये आइडेंटिटी होता है, तो इसको हम ई लिख सकते हैं, ई बाइनरी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बाइनरी बी, यहां लिख देंगे ए इनवर्स बाइनरी ए जो है वो ई होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन होता है तो वो वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो ये आपका एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू ए इनवर्स बाइनरी बी। तो ये सोल्यूशन हो गया, कैसे हो गया भाई ये तो मालूम नहीं, आप कैसे कह सकते हैं एक्स की वैल्यू जो आई है वो इसके अंदर है, ये आप कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, सुनिए ध्यान से, एज ए बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। हम जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ए बिलोंग करता है जी को तो उसका इनवर्स भी जी को बिलोंग करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आपने पढ़ा है, ठीक है, और बी भी बिलोंग करता है जी, ये भी आप पहले से माना बता रहे हैं कि भाई जी में बिलोंग करता है। अब आप कहेंगे आपने ये तो नहीं कहा इनवर्स बिलोंग करता है, देखिए अगर आप जी को ग्रुप मान रहे हैं तो ए अगर बिलोंग करेगा तो ए इनवर्स अपने आप बिलोंग कर जाएगा। अच्छा अगर ये दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो आप जानते हैं कि बाय क्लोजर प्रॉपर्टी उनका जो ऑपरेशन होगा वो भी जी को बिलोंग करेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स बाइंडी बी आल्सो बिलोंग टू बी, इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो बी को बिलोंग जी को बिलोंग कर रही है, इट मींस एक्स आल्सो बिलोंग टू बी। तो यानी ये हो गया कि एक्स इज द मींस एक्स इज द सोल्यूशन, एक्स इसका एक सोल्यूशन है, एक्स इज द सोल्यूशन।
ये तो प्रूफ हो गया कि x इसका एक सोल्यूशन है, लेकिन यूनिक है ऐसा तो नहीं प्रूफ हुआ ना। यूनिक का मतलब क्या होता है कि भाई x का एक ही मान निकलेगा, a इनवर्स b, और कोई मान नहीं निकल सकता। तो उसके यूनिकनेस के लिए हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो प्रूफ हो गया कि इसका सोल्यूशन है। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। हम ये नहीं करेंगे समझ में आएगा नहीं आया, आ ही गया होगा। अब देखिए फॉर यूनिकनेस, यूनिक प्रूफ करने का तरीका क्या होता है। जब भी यूनिक प्रूफ करना हो तो हमने इसके पहले वीडियो में जो बताया था यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ कुछ और बताए थे, तो वहां बताया गया था कि आप वहां पर दो सोल्यूशन मान लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन, फॉर यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन, मतलब इस सोल्यूशन के यूनिकनेस के लिए हम काम क्या करेंगे। जरा सोल्यूशन लिखा हुआ है, स्पेलिंग आप पूरी कंप्लीट करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां मान लेंगे कि लेट x1 एंड x2 बी टू वैल्यूज ऑफ x इन x बाइनरी a बाइनरी x इज इक्वल टू बी। यानी इसमें दो सोल्यूशन है, एक आपका x1 है और एक x2 है। इसका मतलब ये अगर दोनों वैल्यू है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स अगर मैं कहूं a बाइनरी x1 इज इक्वल टू बी तो आप कहेंगे कह सकते हैं वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, और अगर मैं कहूं a बाइनरी x2 इज इक्वल टू बी आप ये भी कह सकते हैं आप। अब जरा दो इक्वेशंस को देख लीजिएगा, अगर दोनों को इक्वेट करना चाहें तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू, इनको इक्वेट करेंगे तो ए बाइनरी एक्स वन इज इक्वल टू ए बाइनरी एक्स टू। ए दोनों तरफ से कैंसिल किया जा सकता है बाई कैंसिलेशन लॉ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू बाई कैंसिलेशन लॉ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आप दो एलिमेंट मान रहे थे ना वो दो नहीं थे, वो एक ही थे, तो वो इक्वल है। तो हेंस प्रूफ्स, इट मींस सॉल्यूशन इज यूनिक, सॉल्यूशन इज यूनिक, ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली इसके लिए आप प्रूफ कर देंगे, सिमिलरली करके प्रूफ दोनों नहीं करना है। सिमिलरली इन y बाइनरी a इज इक्वल टू b, y द वैल्यू ऑफ y विल बी इन g, एंड इट इज द सॉल्यूशन एंड इट इज यूनिक। तो दिस इज The proof of the third, ठीक है। इसके बाद दो थ्योरम और हैं, दो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।